नोएडा जिले के मांधाता में होने वाले उपचुनाव में भाजपा के पक्ष में स्टार प्रचारक ज्योतिरादित्य सिंधिया मुंडी के संत बुखार दास गुलाब दास बाबा मेला ग्राउंड पहुंचे, जहां हजारों की संख्या में लोग ज्योतिरादित्य सिंधिया का भाषण सुनने को पहुंचे थे। मंच पर सिंधिया अपना भाषण दे रहे थे कि अचानक वहीं एक बुजुर्ग किसान ने सभा में दम तोड़ दिया। मानवता उस समय शर्मसार हो गई जब नेता भाषण देते रहे और किसान के प्राण निकल गए। जब सभा छोड़कर लोग उठने लगे, कई लोग चले गए, लेकिन वह बुजुर्ग किसान वहीं का वहीं बैठा रह गया। लोग तमाशा देखते रहे लेकिन किसान की आंख नहीं खुली। वहीं जब एक व्यक्ति ने किसान को हिलाकर देखने की कोशिश की तो उसने देखा कि किसान ने तो प्राण त्याग दिए हैं। जैसे ही किसान की मौत की खबर लगी, उल्टे पैर नेता वापस लौटने लगे। मृतक किसान जीवन सिंह भिलाला निवासी हुटावड़ की अचानक तबियत बिगड़ गई और सभा पंडाल में ही किसान की मौत हो गई। किसान की मौत के बाद भी नेता भाषण देते रहे। कुर्सियों पर पड़ा रहा किसान का शव। सूचना मिलने पर 108 की मदद से बुजुर्ग किसान का शव मुंडी सरकारी अस्पताल पहुंचाया। वहीं परिजनों को सूचना भी दी गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया को बताने के बाद उन्होंने मात्र एक मिनट का मौन रखकर मृतक किसान को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं चुनावी सभाओं में कोविड-19 के नियमों का नहीं हो रहा है पालन।